सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द फ्रेश ब्लॉग। दोस्तों कैसे हो दोस्तों, आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होगे। भाई सो तुम भीड़ भाड़ थोड़ा देख रहे हो, मैं इस समय आया हूँ भाई मेरठ वाली रोड है, एक्चुअली में मेरठ वाली रोड है उस समय आया भाई यामा सम्राट मोटर्स के सामने। किसने आया वैसे तुम्हें पता ही है, बाइक खड़ी है कुणाल की है, ऑब्वियसली R15 आई है वर्जन V4 और एकदम सारे सेगमेंट यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो भाई ऑब्वियसली सारे कवर करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वॉक अराउंड देंगे पूरा एंड ब्यूटीफुल R15 M खड़ी है यहाँ पे भाई, अल्टीमेट। मतलब हम पहले बार तो यहाँ आगे भाई निहारते रह गए और ये भाई मिले हमारे सब्सक्राइबर। तो भाई कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, तो भाई भी राइडर है, तो भाई ने एक्चुअली सारे डिटेल वगैरह दिए शोरूम से ज़्यादा, भाई को पता था शोरूम के बारे में, बाइक के बारे में एक्चुअली। तो यार भाई दो शुरुआत करते हैं R15 M से। तो तुम देख रहे हो भाई ऑब्वियसली यार जल्दी से निहारने का मन कर रहा है, निहारते हो भाई यामा ने कुछ तगड़ा कर दिखाया दोस्तों इस बारी। सबसे पहले तो इसके कॉस्मेटिक लुक के बारे में बात कर लेते हैं, साइड प्रोफाइल देखते हैं एक बार, साइड प्रोफाइल देखो तुम, फ्रंट प्रोफाइल बाद में दिखाएंगे आपको। मतलब अल्टीमेट जो है भाई कलेक्ट तो कलर्स की मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी। R15 यहाँ पे बैजिंग दिखी जाती है आपको, R15 M की बैजिंग है यहाँ पे और क्विक शिफ्टर देखने को मिल जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें क्विक शिफ्टर लगा हुआ है, जो दूसरे मॉडल्स है R15 के उसमें क्विक शिफ्टर नहीं मिलता, बट आप एक्सेसरीज के तौर पर लगवा सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंड साइड प्रोफाइल देखो, क्विक शिफ्टर भाई ये लगा हुआ, ये कंपोनेंट है, ये है क्विक शिफ्टर, ये देखो गियर के नीचे, और इसका ये सिर्फ अप में काम करता है, डाउन शिफ्ट में काम नहीं करता, अप में ऑटोमेटिक काम करता है। मतलब बिना क्लच दबाए आप क्विक शिफ्ट कर सकते हो, क्विक शिफ्टर काम ही यही होता है, जिस भाई को नहीं पता उसके लिए बता रहा हूँ मैं। और ये उसकी देखो वायर जा रही है यहाँ पे, तो साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कूलेंट वगैरह सब कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे। और जो इसका R15 M में ये खास बात ये है, मतलब खास बात तो काफ़ी सारे, मैं पॉइंट टू पॉइंट बताता चला जाता हूँ आपको। एक तो इसका जो स्विंग आर्म है भाई सिल्वर कलर का है, बाकी सब में ब्लैक कलर का मिल जाता है, वैसे नॉर्मल वाली है घड़ी है, इसका स्विंग आर्म है ब्लैक वाला, ये ब्लैक ही है सिंपल, ठीक है देख पा रहे हो आप। और देखो भाई अलॉय व्हील कलर ब्लू मिल जाता है जैसे आपको, और भी इसमें नॉर्मल वाली में ब्लू मिलता है, इसमें ब्लू है, अगर वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस है आपको तो बताता हूँ अच्छे अच्छे क्या है। इस साइड साइड में आ जाते हैं, एक तो कैलिपर देख पा रहे होगे आप, जो डिस्क कैलिपर है ना, ये दोस्तों आपको डिस्क कैलिपर मिलता है गोल्डन में, R15 M में मिलता है, और नॉर्मल वाली ब्लैक कलर का मिलता है। मतलब ये सब छोटे छोटे चेंजेस करके जो गया R15 ने भाई बहुत अच्छा करा है, यामा ने काफ़ी अच्छा करा है, मुझे पर्सनली काफ़ी सही लगा। और सब बाइकों में R15 की सब बाइकों में इसमें आपको जो सस्पेंशन मिल जाता है, ये बात तो USD मिल जाता है, साइड से देखते हैं एक बार, USD फोक्स मिल जाते हैं आपसे, डाउन फोक्स जो RC में मिलते थे आपको, वरना इससे पहले क्या तो टेलीस्कोपिंग मिलते थे, सिंपल जो सस्ते वाले होते हैं वो स्प्लेंडर वगैरह में यूज़ होते हैं, तो USD फोक्स मिलते हैं। प्लस भाई ये है गोल्डन कलर के, तो कितने ही प्यारे लग रहे हैं यार, ये देखो तुम एक बार, अल्टीमेट। और ये सब में सारी R15 पूरी सीरीज में है, ऐसा नहीं है कि M में ही है, देखो नॉर्मल वाली खड़ी तो इसमें भी ऐसा मिल जाता है आपको, बट ये देखो यार ब्लैक वाले कितने भद्दे से लग रहे हैं, मतलब गोल्ड में थोड़ी फील आ रही थी। एंड दोस्तों इसमें छोटे छोटे चेंजेस आपको क्या मिल जाते हैं आपके, थोड़ा सा इसमें आप सीट में बैजिंग देख पा रहे हो अगर यहाँ पे, तो R15 M की बैजिंग है, नॉर्मल वाले में ऐसी बैजिंग नहीं मिलती आपको सिंपल। एंड भाई नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ अगला चेंज, अगर आप वन हैंडल बार से कवर देख पा रहे हो अगर सस्पेंशन के, तो ये है भाई सिंपली प्लास्टिक नहीं है दोस्तों, ये है मतलब स्टेनलेस स्टील है ब्लू कलर का, कितना ही प्यारे लग रहे हैं यार अल्टीमेट। और नॉर्मल वाली में देखो आपको सिंपल ये सिल्वर कलर के मिल जाते हैं, सिंपल सिल्वर कलर के हैं। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं जो भाई R15 M को एक अलग ही बाइक बना देती है, एक डिफरेंट लुक की बाइक बना देती है। एंड अब सबसे इंपॉर्टेंटली बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल, दोस्तों आ जाओ फ्रंट प्रोफाइल दिखाते हैं आपको, मैं इग्निशन ऑन कर देता हूँ थोड़ा, वो जो अग्रेसिव लुक जो दिया है ना यार R15 को, V4 अल्टीमेट जैसे कहते हैं, मतलब RC सीरीज में आने वाली है, RC का प्लान अलग आने वाला है, बट मुझे लगता है भाई कि सेल गिरा देगी RC की, बहुत आराम से गिरा देगी ये, क्योंकि बाइक प्यारी ही इतनी लग रही है। एक बार फ्रंट से फिर से देखते हैं एक बार अल्टीमेट, इसमें इग्निशन ऑन करता हूँ मैं, उसका फ्रंट लाइट देखते हैं फ्रंट प्रोजेक्टर कैसा लग रहा है, स्टार्ट करके देख लेते हैं देख लेते हैं। तो दोस्तों उसकी बैटरी थोड़ी सी डाउन हो रखी है, कोई इशू नहीं है, इसे ऑन कर लेते हैं, मोस्टर एडिशन है ये, इसके बारे में बात करेंगे। अब जब बाइक स्टार्ट हो रही है तो ऑब्वियसली एग्जॉस्ट साउंड सुन लेते हैं बाइक की, अल्टीमेट ऑन हो जाएगा, इसमें नहीं हो पाएगा बैटरी नहीं है, वो सेल्फ का ले पा रही है, अच्छा सेल्फ का ले रही है। सर इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, आ जाओ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तुम देख रहे हो भाई R15 को, एक तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है और इसमें फीचर भी काफी सारे दे दिए हैं। तो अब देखो तुम अगर यहाँ पे देख पा रहे हो कूलेंट लिखा हुआ है 32 डिग्री सेल्सियस, मतलब कूलेंट का समय टेम्परेचर दिखा रहा है, कई बार क्या होता है बाइक ओवरकूल हो जाती है पता नहीं चलता राइडर को, तो इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी फीचर दे दिया है। इसमें ट्रैक मोड भी दे रखा है, ट्रैक मोड को सिंपल कुछ नहीं होता, लैप का फीचर आ जाता है इसमें, आप कितने लैप में कितने कवर कर रहे हो डिस्टेंस वो आ जाता है इसमें सिंपल।
और दोस्तों AVG एवरेज आ गया है, ये एवरेज स्पीड, और TC ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है कि ऑफ है, तो इसमें ये भी देखने को मिल जाता है। काफ़ी सही चीज़ लगी मेरे को ये, बैटरी इंडिकेशन भी है यहाँ पे, और जो नॉर्मली जो ऑब्वियसली मिलता है RPM मीटर स्पीड वगैरह ये सब तो खैर है खैर ऑब्वियसली। एंड दोस्तों ट्रैक्शन कंट्रोल का मुझे अभी याद आया, मैं बोल गया सबसे मेन फीचर तो भाई ये ट्रैक्शन कंट्रोल भी है बाइक में। ट्रैक्शन कंट्रोल जिस भाई को नहीं पता बता देता हूँ, अगर बाइक आपके मतलब नॉर्मल अगर रेनी सीजन में अगर ज़्यादा रेव करते हो आप तो आपका टायर स्किड नहीं होता दोस्तों, ये एक एडवांटेज होता है भाई ट्रैक्शन कंट्रोल में, मतलब कंट्रोल आप लूज़ नहीं करोगे बिल्कुल भी, जो बाइकों में काफ़ी सही चीज़ है। मतलब ये मान के लो जैसे ब्रेकिंग में ABS है बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, तो वो R5 में दे दिया है मात्र आपको 2,00,000 रुपये में भाई, और क्या चाहिए ये बताओ क्या चाहिए अल्टीमेट। एक बार फिर से देख लेते हैं बाइक को, अब मैं एक बार बाइक पर बैठ कर दिखा दूँ दोस्तों कि कैसी प्रोफाइल आ रही है बैठने के बाद, राइडर कैसा लगता है देखने पर बाइक में। R5 M-Pace जैसे बैटर भाई मेरी फेवरेट है बन चुकी है ये। दोनों पैर में रखा हुआ तो मतलब मेरा टोटच नहीं हो पा रहा है, एंगल टच नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा शॉर्ट राइडर को थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, इसके मतलब 5 फीट 4 इंच का राउंड है मेरी हाइट, और बाइक की जो सीट हाइट है वो है भाई 850 mm, तो देख रहे हो भाई मेरे पैर कैसे पहुंच पा रहे हैं, दोनों पैर मतलब मेरे 2.5 से टिक नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्ट राइडर को थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, इसके मतलब 5 फीट 4 इंच का राउंड हाइट है उसका, मैं थोड़ी सी दिक्कत होगी, बाकी अगर पुराने राइडर हो तो ऐसे को दिक्कत होने वाली है मेरे हिसाब से तो। एंड हाँ, एंड दोस्तों ऑब्वियसली ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह इसका सेम ही है V3 के कंपैरिजन में, और V3 का सीट हाइट भी सेम ही है इसका, तो ऐसा कोई दिक्कत होने नहीं वाली है दोस्तों। एंड बात करें इसके प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग यार आपको सच बताऊँ तो रिवील वैसे मैंने नहीं करा है, बट इसके ऑफिशियल साइट पर आपको देखने को मिल जाएगा, इसका एक्सोरूम प्राइस है 1.77 लाख, एंड भाई ऑन रोड आते आते 2,00,000 का राउंड आराम से बैठ जाएगी बाइक ये, तो अभी ये एस्टिमेट बता रहा हूँ मैं, फिक्स नहीं है ये। एंड इसका राइड रिव्यू जल्द ही आने वाला है दोस्तों, तो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, और कोई भी डाउट वगैरह होता तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई इशू वाली बात ही नहीं है दोस्तों। एंड यहाँ वीडियो अच्छी लगी वीडियो को तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब, और ऐसी बेहतरीन वीडियो आती रहती है, तब तक मिलते हैं अपने। ਚੇ ਪਿਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ 17 ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਗਾਣੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਲੰਡੂ ਲਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ।